तो अब मैं आपको पुरानी लाइन में ही सुना रही है। क्षमा करियो महाराज जी, कहूं मौका लगे तो फिर सुना, टेंशन मत करो। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, राजा भीष्मक ने नामकरण कराया, बेटी का नाम रुक्मणी। नारद जी नामकरण करके जब चले जाते हैं, रुक्मणी बड़ी हो रही है। नारद वहां से चले मनन तपधारी, रुक्मणी की यही रटन है, शादी करेंगे तो श्याम के साथ और नहीं तो ऐसी रहूंगी। पंडित जी तो चले जाते हैं और इधर मेरे सज्जनों, नारद जी के जाने के बाद रुक्मणी जब बड़ी हुई तो मन ही मन में भगवान को मान लिया। मनसा वाचा कर्मणा, तीन प्रकार से भक्ति होती है। तो मन में, वचन में, कर्म में रुक्मणी ने अपने ठान लिया कि द्वारिकाधीश के सिवा किसी और की अर्धांगिनी, क्योंकि श्याम स्वयं विष्णु अवतार हैं और माता रुक्मणी जो है साक्षात लक्ष्मी है, बड़ी हो रही हैं। एक दिन घर में गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती मैया ने बांदी को बुलाई और चली जाओ बहन पति को बुला के लाओ, मैं अपने पति से कुछ बात करना चाहती हूँ। बांदी ने आज्ञा स्वीकार की और चली है। महाराज के दरबार के लिए मेरे सज्जनों जब बांधी चली है, आ रहा